हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका एंड वान्यास वर्ल्ड। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही क्यूट से प्लांटर जो कि मैंने बनाए हैं बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। काफ़ी टाइम से मेरे पास ये पेंट के थोड़े डब्बे पड़े हुए थे, तो इसी से आज मैं स्माइलिंग फेस या इमोजी प्लांटर, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो बनाऊँगी। तो मैंने इन सारे जितने भी मेरे ये डब्बे थे, इस पर मैंने देखिए होल भी कर लिए हैं, क्योंकि हम प्लांट इसमें लगाएंगे तो ड्रेनेज करना ज़रूरी था। और इसके ऊपर मैंने जितने भी सारे जो बॉक्स हैं उसके ऊपर मैंने ऑयल पेंट कर दिया है येलो कलर का, मेरे पास पुराना ही रखा हुआ था। और जो भी मैं यहाँ पे फेसेस ड्रॉ करूँगी वो मैं किसी कलर की बजाय परमानेंट मार्कर से बनाऊँगी। तो आप देखिए फ्रेंड, कोई भी परमानेंट मार्कर आप जब भी यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी पानी से ख़राब नहीं होता और ड्राइंग भी जो आप करेंगे वो बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने तो लिए हैं ये जितने भी मेरे पुराने पेंट के डब्बे थे। आप चाहें तो आपके पास कोई और हो तो आप उसके साथ भी इस तरीके से इमोजी फेसेस या स्माइलिंग फेस प्लांटर बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारे जितने भी मेरे डब्बे थे उनको मैंने पेंट करके सुखा लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे परमानेंट मार्कर से अपने जो भी थोड़े बहुत फेसेस मुझे याद हैं वो मैं अपने आप बनाऊँगी, और कुछ मैं अपने मोबाइल में से देख के तब ड्रॉ करूँगी। तो आप भी इसी तरीके से जो भी क्यूट क्यूट से फेसेस आप बनाना चाहते हैं उनको ड्रॉ करें, और जो भी फिल वगैरह जितना करना है वो आप सारा परमानेंट मार्कर के ही यूज़ से करें। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं। आप इसको अपनी बालकनी में रख सकते हैं, अपने टेरेस गार्डन में रख सकते हैं, या किचन में। मतलब ये इतने सुंदर लगते हैं कि आप कहीं पर भी इसे रखेंगे तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एक फेस अपना रेडी कर लिया है। सेम इसी तरीके से मैं अपने जितने भी फेसेस हैं उन सबको ड्रॉ कर लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे मज़ा आ रहा था इसको करने में। एक तो हम स्केच पेन की हेल्प से कर रहे थे, अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चों को भी इसको मतलब दे सकते हैं करने के लिए, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरीके से स्माइलिंग फेस वगैरह बनाने में। तो मैं तो बहुत आराम से फुर्सत से बैठ के मैंने इनको बनाया है और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था इनको ड्रॉ करना। तो इसी तरीके से आप भी अपने सारे जितने भी फेसेस आप बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए, और देन उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी प्लांटर लगा सकते हैं, कोई भी फ्लावर वाले प्लांट्स लगा सकते हैं, या आप कोई ग्रीनरी वाले लगाना चाहते हैं, या इंडोर आप कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ड्रेनेज भी कर दिया था, क्योंकि अगर हम कोई प्लांट लगाएंगे तो उसमें होल करना ज़रूरी था। तो देखिए फ्रेंड, मैंने कुछ इस तरीके से अपने सारे जितने भी मेरे प्लांटर थे इन सबको मैंने अच्छे से ड्रॉ कर लिया परमानेंट मार्कर की हेल्प से, और जो मुझे फिल करना था वो मैंने फिल भी कर लिए। तो कुछ मेरे सारे जो प्लांटर हैं वो बहुत सारे थे मेरे पास 10-12, तो मैंने उन सबको देखिए कुछ अलग अलग फेसेस से इस तरीके से ड्रॉ कर लिए, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और फ्रेंड देखिए, इसके बाद मुझे ये रखना था अपने टेरेस पे ही, तो मैंने अपने पहले से जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी उसमें मैंने ये वाले प्लांटर्स को इसका ऊपर वाला हिस्सा जो था वो येलो कलर से किया था, तो मैं इन्हीं के साथ ही उनको रखूँगी। तो इससे पहले मैंने सोचा कि इनमें थोड़ा सा मैं अपनी खुरपी लगा दूँ, क्योंकि थोड़ा सा मिट्टी सर्दियों के टाइम पर जम जाती है। तो उसके बाद मैंने अपने जितने भी ये प्लांटर थे उनको मैंने यहाँ पे लगाया, कुछ फ्लावर वाले प्लांट्स वगैरह लगा के। और जब मैंने इनको यहाँ पे रखा तो ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मतलब यहाँ का जो लुक था वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था। और फ्रेंड, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में एक बेल आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपने सारे प्लांटर यहाँ पे रेडी करके लगा लिए हैं, और ये कुछ इस तरीके से लग रहे थे। ना तो ये कलर धूप में ख़राब होगा और ना ही पानी से ख़राब होगा, तो आप इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और कितने क्यूट लग रहे हैं। आप इसके अंदर कोई भी प्लांट लगा के इन्हें रख सकते हैं। और फ्रेंड, जब मैंने ये सब करा तो मैंने कुछ ख़रीदे अपने इंडोर प्लांट, और मैं नर्सरी गई थी तो यहाँ पे मैंने ये प्लांट्स ख़रीदे हैं। तो ये तो जो प्लांट है ये है कैलाथिया,
तो लेकिन ये जो दूसरा वाला छोटा वाला था इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, नाम उसने मुझे बताया था नर्सरी में, बट मुझे ध्यान नहीं है कि इसका क्या नाम बताया था, लेकिन ये इतना सुंदर लग रहा था, छोटा सा बिल्कुल आर्टिफिशियल प्लांट लग रहा था। तो इसको मैंने रखा है अंदर अपने थोड़ा सा केज के अंदर, मैंने अपना वही फेरी गार्डन रखा हुआ है और इसके साथ मैंने ये दोनों इंडोर प्लांट रखे हैं। तो ये भी देखने में बहुत ही सुंदर थे और दोनों ही जो प्लांट थे उसका जो लुक था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कुछ लाइट पिंकिश से शेड के थे। और यहाँ पे मैंने कुछ और प्लांटर भी ख़रीदे हैं फ्रेंड, देखिए नर्सरी से ही, तो ये शू वाले प्लांटर मैंने ख़रीदे और इसके साथ मैंने एक और जो है सकुलेंट प्लांट भी ख़रीदा है जो कि मैं इसी के अंदर लगाने की सोच रही हूँ। देखिए ये जेड प्लांट की तरह ही है कुछ, लेकिन ये सकुलेंट है, काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये भी देखने में। और दो मैंने ये बुद्धा जी फेस वाले प्लांटर ख़रीदे हैं, तो इसमें भी मैं लगाऊंगी थोड़े से इंडोर प्लांट ही। और देखिए ये किस तरीके से लग रहे हैं, और जब इसमें मैंने प्लांटर लगा लिए तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगने लग गए। ये आप चाहे इंडोर में रख सकते हैं या आप अपने बाहर फ्रंट एरिया में, मतलब जैसे ही आप एंटर करते हैं उस एरिया में रख सकते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो फ्रेंड ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।